अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं ये फ्रेश नीमको। जी हाँ, घर के ही इंग्रेडिएंट्स के साथ किस तरह से हम घर में मज़ेदार से नीमको रेडी कर सकते हैं, बहुत। तो आइए रेसिपी देख लेते हैं किस तरह से हमने ये फ्रेश नीमको घर में रेडी किया है। तो इसके लिए मैंने आधा किलो बेसन लिया है, ये 500 ग्राम बेसन है। इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और इसमें मैं 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये 1/4 कप ऑयल इसमें जा रहा है और 1 टेबल स्पून इसमें नमक गया है। अजवाइन ली है, ये भी 1 टेबल स्पून है, लेकिन इसको मैं हाथों से थोड़ा सा क्रश करके डालूँगी ताकि इसका खुशबू और फ्लेवर दोनों निकल कर आ जाए। अगर आप एज इट इज़ डाल देते हैं तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू निकल कर नहीं आती है। इस तरह से करके आप डालें तो बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर निकल कर आता है। तो पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बेहतर यह कि आप हाथ से ही कर लें, क्योंकि हमें ना तो इसकी डो बनानी है और ना ही इसका बैटर बनाना है, बल्कि एक थिक फॉर्म में हमें रखना है बेसन को। तो पहले मैं ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फिर बहुत केयरफुली आपने पानी ऐड करना है, क्योंकि हमें पानी बहुत कम क्वान्टिटी में इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे स्नैक्स जो हैं खस्ता इसी से बनते हैं कि इसमें बहुत कम क्वान्टिटी में पानी यूज़ होता है। अगर आपने पानी की मकदार ज़्यादा कर दी तो फिर ये स्नैक्स जो हैं हमारे बहुत नरम पड़ जाते हैं, क्रिस्पी क्रंची नहीं होते हैं। तो बहुत थोड़ा थोड़ा पानी मैं ऐड करती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ मिक्सी मदद से। तो बस आपने सेम इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है बेसन की, ना तो इससे ज़्यादा आप थिक रखिएगा और ना ही इससे ज़्यादा आपने सॉफ्ट रखना है। बस ये टेक्स्चर होना चाहिए हमारे बेसन का। ये मशीन से आराम से निकल भी आएंगे, और अगर मशीन नहीं है तो आप पाइपिंग वगैरह बैग वगैरह से भी इसको निकाल सकते हैं। मैं इसको हाफ़ कर रही हूँ, पहले मैं बारीक सेव बनाऊँगी। तो इसके लिए मैं इसमें सोडा ऐड करूँगी, और जो सेव पट्टी वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें मैं सोडा ऐड नहीं करूँगी, तो इसलिए मैं इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर रही हूँ। और आप चाहें तो पूरे इसमें बैटर में भी सोडा ऐड कर सकते हैं। तो ये 1/4 टीस्पून इसमें मैंने सोडा ऐड किया है। बस इसको मैं हाथ से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, क्योंकि आप स्पैचुला वगैरह यूज़ करेंगे तो उससे ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। 5 मिनट का इसको रेस्ट देंगे और मैं आपको नीमको का मसाला जो है बता देती हूँ कि किस तरह से बनाना है। तो ये मैंने चाट मसाला लिया है 2 टेबल स्पून। ये बहुत डिफरेंट मसाला है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा नीमको के लिए। सिट्रिक एसिड लिया है 1/4 टीस्पून। सॉल्ट लिया है 1/2 टीस्पून। पिसी हुई काली मिर्चें 1/2 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च ली है 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर लिया है, ये भी 1/2 टीस्पून। और चिकन पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करूँगी, क्योंकि सॉल्ट और सिट्रिक एसिड वगैरह ये सब दानेदार है, तो इसमें अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। तो आप इसको थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए बस ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, ताकि ये सब बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाए। और ये बहुत बहुत टेस्टी नीमको का मसाला है, तो आपने ये ज़रूर बनाना है नीमको के साथ। आप खाली चाट मसाला नहीं डालिएगा, यही मसाला आपने बनाना है। तो जब तक हम सेव मशीन देख लेते हैं अपनी कि मैंने कौन कौन सी जालियाँ इसके लिए इस्तेमाल की हैं। तो बारीक सेव और मोटे सेव दोनों के लिए मैंने ये निकाल ली है। डिफरेंट साइज़ के हमारे सेव होते हैं, तो ये एक मैंने लिया है, और पट्टी सेव के लिए आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और सेव मशीन हमने रेडी कर ली है पहले सबसे, तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी ब्रश की मदद से। पहले आप जाली लगा लें जो भी आपको सेव पहले रेडी करने, और ब्रश की मदद से या हाथ से आप जैसे आपको सहूलत हो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दें, ताकि जो हमारा बैटर है वो उसमें चिपके नहीं और वेस्ट ना हो बिल्कुल। तो कढ़ाई मैंने गरम करने के लिए रख दी थी, ऑयल उसमें अच्छी तरह से गरम हो रहा है, बैटर भी हमारा रेडी है, सेव मशीन भी रेडी है। तो बस अब हमारा सिर्फ फ्राइंग का काम है। तो वो देख लेते हैं सारे सेव मैंने किस तरह से रेडी किए, और बहुत आराम से निकलते हैं मशीन से। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप पाइपिंग बैग लें, मुख्तलिफ तरह के अगर नोज़ल्स आपके घर में हैं तो बैटर तो सेम ही रहता है, बस सिर्फ इनके साइज़ चेंज होते रहते हैं। आपने पट्टी सेव बना लिए और मोटे वाले सेव बना लिए, बारीक सेव बनाने, बस सिर्फ यही इसमें है, और फ्लेवर सबका सेम ही रहता है। तो जैसे ये फ्राई होते हैं तो मैं सेकंड आपको बनाना बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई होते हैं, क्योंकि इसमें पानी की क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो इसलिए ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। बस इसको टर्न करेंगे और निकालते जाएंगे। कितने ज़बरदस्त से ये फ्राई हो गए, और उनका कलर आप देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आया है, और ज़्यादा ऑयल भी इसमें नहीं लगता। तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा,
अब बारीक वाले सेब ज़्यादा यूज़ होते हैं तो इसको मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। देखिए तो मैंने ऑलमोस्ट पूरी कढ़ाई फुल कर ली थी, एक दफ़ा में मेरे काफ़ी सारे ये बन गए थे। मैं इंशाल्लाह सेव मशीन के अलावा भी आपको हाथ से किस तरह से पाइपिंग बैग वगैरह से ये बनाना बताऊँगी, किस तरह से हम घर में बगैर मशीन के भी बना सकते हैं। वैसे तो ये मशीन बहुत आराम से मिल जाती है और बहुत यूज़फुल है, तो आप लोग ज़रूर इसे ले कर रखें घर में। अच्छा सेकंड भी बना लेती हूँ। मैंने ये फ्लावर वाला नोज़ल लगा के रख लिया है, तो जितनी देर में मेरा एक बैच तैयार होता है तो मैं दूसरा रेडी कर लेती हूँ मशीन में। तो मैंने फ़्लावर वाला नोज़ल लगा के अब उसको रेडी कर लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए बस मैं सिर्फ आपको दिखाती जा रही हूँ कि मैं कौन कौन से इस्तेमाल कर रही हूँ जालियाँ वगैरह। तो अब ये निकालने के बाद फिर मैं फ़्लावर वाला डालूँगी शेप, और ये भी देखिए कितने खस्ता बनते हैं ये। जब सेब ऑयल में होते हैं तो हमें थोड़े से नरम से महसूस हो रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही ये ऑयल से हम इनको निकालते हैं तो ये क्रिस्पी होना शुरू हो जाते हैं। तो आप ये डाउट में ना रहिएगा कि ये शायद खस्ता नहीं हुए, तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। अब ये मैंने फ़्लावर जो वाला नोज़ल लगाया था वो आपको दिखा रही हूँ, कितना ज़बरदस्त सा ये निकल रहा है। जाएगा वो ऑयल में अपनी मर्ज़ी से ही, आपने बस सिर्फ इसको निकालते जाना जितना भी मशीन में बैटर आपने डाला है, और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये, बहुत ज़बरदस्त। इसको भी टर्न करके मैंने निकाल लिया और बहुत अच्छा सा कलर आया है इसके ऊपर भी। अच्छा ये बड़ी वाली चीज़ें ज़रा ज़्यादा खाई जाती हैं, ऊपर से सब उठा उठा के खा रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने पट्टी सेव और ये फूल वाला जो सेव है ज़्यादा ही बनाए। इसकी फ्राई में थोड़ा सा आपको ज़रा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये थोड़े थिक होते हैं। हमारे पट्टी सेव भी रेडी हैं, सारे ही बारीक सेव भी हमने रेडी कर लिए हैं, और अच्छे से इनके ऊपर भी कलर आ गया, इसको भी निकाल लेते हैं। बहुत जल्दी जल्दी फ्राइंग होती है इसमें, बहुत कम टाइम लगता है। बस ये भी हमारे सारे सेव रेडी हो गए। अब मैंने चने की दाल भिगो के रखी थी, ये ओवरनाइट मैंने भिगोए थे, और साफ़ सुथरे कपड़े से मैंने इनको ड्राई कर लिया है। इसी तरह से चने मैंने लिए थे वाइट चने, इनको ग्रीन कलर और रेड कलर डाल के सोडा डाल के मैंने अलग अलग सोक करने के लिए रख दिया था। इस तरह से इनके ऊपर रेड और ग्रीन कलर आ गया है, और इनको भी मैंने कम्प्लीट ड्राई किया है। अगर इसमें पानी होगा और फिर आप इसको फ्राई करेंगे तो सबसे पहले तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे, और सेकंड ये कि ये इतना ऑयल उछालेंगे ना कि आपके लिए फ्राइंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए लाजमी है कि आपने इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। और इसकी फ्राइंग का तरीका ये है कि जैसे इसमें बबल आना ख़त्म हो जाए तो आप समझ जाएँ कि आपके जो चने हैं वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन गए हैं। तो आप इसको छन्नी को हिला के देखेंगे तो आपको इसकी बहुत अच्छी सी आवाज़ महसूस होगी, तो वो मैं आपको आवाज़ अच्छी तरह से सुना दी कि किस तरह से इनकी आवाज़ आ रही होती है। चने मेरे रेडी हैं और इसमें देखिए बिल्कुल भी बबल नहीं आ रहे हैं। अगर बबल आ रहे होते तो इसका मतलब ये कि इसमें भी पानी है और इसको भी मज़ीद फ्राई करना है। अब इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। इसी तरह से मैंने चने की दाल भी फ्राई कर ली है। छलनी में मैंने इसलिए यूज़ की है कि आपको फिर ऑयल में से निकालने में बहुत मुश्किल होगी, इसलिए छलनी से आराम से आप इसकी आवाज़ भी महसूस कर सकते हैं कि ये फ्राई हुए हैं या नहीं, और आराम से फिर निकालने में भी आ जाते हैं। अच्छा पीनट को मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो एक मिनट के लिए पीनट को भी ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि पीनट में अपना इतना ऑयल होता है कि इसको फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे आराम से ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी फ्राई पैन में लिया है और इसे 5 से 7 मिनट के लिए मैंने ड्राई रोस्ट किया है, क्योंकि इसका अपना ऑयल और फिर कढ़ाई का ऑयल मिक्स होकर ना एक अजीब सी स्मेल आ जाती है अगर आपने निम को उठा के रखना हो तो, लेकिन अगर फ्रेशली आप खा रहे हो तो कोई मसला नहीं है। बस अब आ जाती है इसकी मिक्सिंग, कि मैंने मिक्सिंग किस तरह से करनी है। सबसे पहले मैंने सारे जो नट्स हैं हमारे और दाल और ये चने वगैरह, इन सब के ऊपर मैं स्पाइस लगाऊंगी, क्योंकि फिर ये सेव पट्टी वगैरह के अंदर गुम हो जाएंगे और उनके ऊपर जो है मसाला अच्छा नहीं लगेगा। और सारी ही चीज़ें मैंने छलनी में रखी थी ताकि इनका एक्सेस ऑयल निकल जाए। तो पहले मैं मसाला जो है सारा जो मैंने बनाया है निमको मसाला, ये आपने लाजमी बनाना है इसके साथ, तो पहले मैं ये इन सब चीज़ों पर लगा रही हूँ। कितनी ज़बरदस्त सी चीज़ें हैं, सब घर में होती हैं और आराम से बन जाती हैं, और कितने ज़बरदस्त से हमारे सारे निमको रेडी हुए हैं, कितने क्रिस्पी और क्रंची ये लग रहे हैं माशाल्लाह से, कलर भी अच्छा है और ऑयल भी देखें घर में साफ़ सुथरा हम घर में यूज़ कर रहे होते हैं हर चीज़। तो जितना मर्ज़ी चाहे आप इसे बना के रखें। मैंने अभी आधा बैटर यूज़ किया और आधा मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको हाथ से बना के बताऊँगी बिना मशीन के। तो बस इसकी सारी मिक्सिंग करेंगे, इसे जितना मर्ज़ी चाहे आप जार में एयर टाइट जार में फुल करके रखें। बस सेब को सारे हाथों से तोड़ना है अच्छी तरह से।
कितने क्रिस्पी हैं माशाल्लाह से, और कितने खस्ता ये आराम से टूट रहे हैं। बारीक वाले सेब और मोटे वाले सेब ये भी रेडी है मेरे, इनको भी अच्छी तरह से देख के ज़बरदस्त क्रश हो रहे हैं, कितने ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह से। इन सबको भी क्रश करके मैं इसके ऊपर जो नीम्बू मसाला मैंने बनाया है वो ऊपर से और अच्छी तरह से लगाएंगे, ताकि बहुत अच्छी सी मिक्सिंग हो जाए इसकी। और बड़ा बाउल मैंने इसीलिए लिया है कि इसकी मिक्सिंग आपको आराम से हो सके। देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे सेव रेडी हो गए हैं, जितने मर्जी चाहे आप इसको बना के रखें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते, क्योंकि हमने बहुत अच्छे फ्रेश ऑयल में बनाए होते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होती। आपने भी ज़रूर बना के ट्राई करने और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसे लगे ये नीमको रेसिपी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।